हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला में। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें, जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में। स्टूडेंट्स, देर न करके हम बात करते हैं बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। तो ये बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट को मैं एक्सप्लेन करूँ, इंट्रोडक्शन की बात कर लें इसके। सबसे पहले स्टूडेंट, द बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर हारोल्ड एम बैरो इन 1953। तो स्टूडेंट्स, इसको डॉक्टर हारोल्ड एम बैरो ने 1953 में बनाया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसने इसको डेवलप किया था इस टेस्ट को और किस ईयर में। तो ये यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के बन सकते हैं कि हु इन्वेंटेड द बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट, तो डॉक्टर हारोल्ड एम बैरो ने और 1953 में। बैरो स्टार्टेड विथ 87 आइटम्स विच हैड बीन नैरो टू 29 बाई द ज्यूरी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस टेस्ट में टोटल 87 इवेंट्स को लेके, 87 बैटरी आइटम्स को लेके इस टेस्ट को स्टार्ट किया, और उसके बाद जैसे जैसे इसका एक्सपेरिमेंट वो करते गए, इन्होंने इस आइटम्स को रिड्यूस करते गए, जिसमें उन्होंने जो उनकी टेस्ट की कमेटी थी, जिसके जो उनके असिस्टेंट थे, उनके कंसर्ट के साथ क्या किया कि उस टेस्ट में टोटल 29 आइटम्स को रिफाइन किया, रिड्यूस करके नंबर ऑफ आइटम्स को। देन दीज 29 आइटम्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन ए टेस्ट रीटेस्ट बेसिस अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिसर्च। तो इसको क्या हुआ कि देन 29 को अगेन इसको रिटेस्ट किया गया, इसको अगेन रिफाइन किया गया, और उसके बाद वेरो डिसाइडेड अपॉन टू टेस्ट सीरीज। उसके बाद फिर इसको फिर से रिफाइन करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि इसको अगेन उन्होंने दो टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट किया। नंबर वन हैड 6 आइटम्स, जिसमें पहले में पार्ट में उन्होंने क्या किया, 6 बैटरी आइटम्स को रखा। देन द 6 मोस्ट हाईली रिलेटेड फैक्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी फिटनेस को इफेक्ट करते हैं, मोटर एबिलिटी को, उन 6 आइटम्स को उन्होंने अपने टेस्ट में रखा। टेस्ट नंबर 2 हैड 3 आइटम, और जो दूसरा टेस्ट था उसमें उन्होंने, जो कि हमको स्टूडेंट्स हमको आपको यहाँ 12th में इसी पे डिस्कस करना है, 3 मोटर आइटम्स, यानी कि 3 मोटर एबिलिटी टेस्ट आइटम, जो 3 बैटरी टेस्ट था वैरो का, उसी के बारे में हमें आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। टेस्ट नंबर 2 हैड 3 आइटम्स, फर्स्ट वन था उसमें आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जम्प, सेकेंड वन है जिगजैग रन, थर्ड वन है मेडिसिन बॉल वुड। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखने के लिए भी जब आता है तो आपसे 3 आइटम्स के बारे में ही पूछा जाता है, बैरो 3 मोटर आइटम एबिलिटी टेस्ट क्या था, उसे आपको एक्सप्लेन करना होता। तो यहाँ पे वो कौन कौन से हैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडिंग ब्रॉड जम्प, जिगजैग रन, मेडिसिन बॉल वुड। देन अब बात कर लें वन बाई वन, तो बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट, द बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई डॉक्टर हारोल्ड एम बैरो इन 1953, 1953 में। इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू के पर्पज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पे, ना? इन्वेंटर का नाम और ईयर, डॉक्टर हारोल्ड एम बैरो इन 1953 में, 1953 में इसे डॉक्टर हारोल्ड बैरो एम बैरो ने बनाया था।
पर्पज की बात कर ले, द पर्पज ऑफ द टेस्ट इज टू मेजर मोटर एबिलिटी फॉर पर्पज ऑफ क्विक क्लासिफिकेशन गाइडेंस एंड अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो मोटर एबिलिटी टेस्ट को मेजर करना इसका मेन पर्पज था, और जो अच्छी तरीके से किसी ट्रेनी को गाइड करना, उसकी क्या अचीवमेंट हो सकती है स्पोर्ट्स में, इसको जानना था मेन पर्पज इस मोटर एबिलिटी टेस्ट का। तो फर्स्ट आइटम की बात कर लें, टेस्ट आइटम जो था स्टैंडिंग लॉन्ग जंप और ब्रॉड जंप भी बोलते हैं इसको, देन पर्पज था ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है हमारा वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है टू मेजर एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग, हमारे लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को, पावर को ये क्या करता है, मेजर करता है। देन इक्विपमेंट जो हमें स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट होगी इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए अपने सब्जेक्ट पे, वो इक्विपमेंट होंगे मेजरिंग टेप, पेन एंड पेपर। तो मेजरिंग टेप जिससे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकें, पेन एंड पेपर ताकि उसकी जो भी अचीवमेंट हो, जितना वो जंप करता है उसको हम राइट डाउन कर सकें। तो ये सिंपल से कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं हमको इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देन सेकेंड वन आइटम जो था वो था जिग जैक रन। जिग जैक रन क्या करता है, टू मेजर स्पीड एंड एजिलिटी, ये क्या करता है, स्पीड एंड एजिलिटी, या अनदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्पीड एंड डायरेक्शन को ये क्या करता है हमारे बॉडी के, वो मेजर करता है। अब इसके लिए जो हमको ज़रूरत है इक्विपमेंट की, वो क्या क्या होने चाहिए हमारे पास जब हम इस टेस्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट वन होना चाहिए 5 wooden blocks, 5 wooden blocks, लकड़ी के 5 टुकड़े होने चाहिए। देन स्टॉप वॉच, लाइम पाउडर फॉर मार्किंग, तो स्टॉप वॉच होनी चाहिए जिससे हम उसका टाइम रिकॉर्ड कर सकें। एक हमारे पास कुछ लाइम पाउडर भी होने चाहिए, यानी कि चूना भी होना चाहिए जिससे हम निशान लगा सकें, मार्क कर सकें। देन थर्ड वन जो आइटम था स्टूडेंट्स वो था मेडिसिन वॉल पुट। मेडिसिन वॉल पुट ये क्या करता है, टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ आर्म एंड शोल्डर, तो ये हमारे आर्म और शोल्डर की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन बॉल पुट का अप्लाई करते हैं। मेडिसिन बॉल ये भी स्टूडेंट्स आपसे बहुत रिपीट किया जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू में, कि जो मेडिसिन बॉल का वेट है वो 1 kg फॉर गर्ल्स के लिए होता है, 3 kg फॉर बॉयज, और मार्क एरिया, ये हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो कभी कभी आपसे मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल इन बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट फॉर बॉयज फॉर गर्ल्स, तो 1 kg फॉर गर्ल्स होता है, 3 kg फॉर बॉयज, याद रखिएगा इसको, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते। तो फर्स्ट वन बात कर लें, जो फर्स्ट वन यहाँ पे था स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट की पर्पज क्या है, टू मेजर एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग, तो ये हमारे लेग की एक्सप्लोजिव पावर को मेजर करता है। देन सेकेंड वन इक्विपमेंट की बात करें, क्या क्या ज़रूरत होगी इस टेस्ट को हमको अप्लाई करने के लिए, मेजरिंग टेप, पेन एंड पेपर। मेजरिंग टेप से हम क्या करेंगे, एक लाइन को मार्क कर लेंगे, पिट को मार्क कर लेंगे जहाँ पे हमको सब्जेक्ट को जंप कराना है। देन पेन एंड पेपर से आफ्टर जंप के बाद उसकी जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है नियर टू द टेक ऑफ बोर्ड से, उसकी बॉडी पार्ट जो होगा उसी को हम राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया हम क्या करेंगे, पहले हैंगिंग स्टाइल में स्विंग करेंगे, बॉडी को मूवमेंट में लाएंगे, जब मोमेंटम में होगी बॉडी तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एंड्स को आगे रेज करते हुए जंप करना है, जंप करने के बाद ये हमारी लैंडिंग हो जाएगी। तो जो भी ये डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, उसको हमको क्या करना है, मीटर सेंटीमीटर में रिकॉर्ड कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। देन प्रोसीजर ऑफ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करें, तो मार्क ए लाइन एंड आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड बिहाइंड मार्क लाइन विथ फीट क्लोज, तो इस तरीके से पहले उसको क्या करना, बोथ फीट को क्लोज रखते हुए खड़े हो जाना है स्टार्टिंग लाइन के पास जहाँ पे लाइन मार्क की गई है। देन द स्टूडेंट स्लाइटली बेंड
एट द नी एंड स्विंग आर्म बिफोर जंपिंग। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है कि जंप से पहले इस तरीके से अपनी नी को आर्म को स्विंग करना है और नी को बेंड करना है। देन ए 2 foot टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज यूज टू जंप। तो दोनों फुट को यहाँ पे क्या करना है कि एक फुट से वो जंप नहीं कर सकता स्टूडेंट, दोनों फुट को उसको क्या करना है यूज करके दोनों फुट एक साथ रखते हुए उसको जंप करना है। देन 3 trials आर गिवेन। तो 3 chances दिए जाएंगे जंप के लिए। द डिस्टेंस फ्रॉम टेक ऑफ लाइन टू द लैंडिंग पॉइंट इज मेजर्ड। तो जो भी डिस्टेंस होगी टेक ऑफ बोर्ड से जहाँ पे वो लैंड कर रहा है, नियरेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो भी होगा टेक ऑफ बोर्ड के, उसे मेजर कर लिया जाएगा और उस डिस्टेंस को राइट डाउन कर लिया जाएगा। अब बात कर लें स्टूडेंट स्कोरिंग की, स्कोरिंग ऑफ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जंप आउट ऑफ 3 attempts इज स्कोर। तो 3 जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी आउट ऑफ 3 में से वो उसकी मेजर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नम्स के लिए ये टेबल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि ध्यान रखना है कि मिनिमम आप जिस एज ग्रुप में आते हैं उस एज ग्रुप का लर्न करके ज़रूर रखिएगा। अगर आप पूरा नहीं लर्न कर पाते तो यहाँ पे आई थिंक सभी जो 12th के स्टूडेंट हैं वो 60 एबव भी होंगे। तो 60 एबव अगर आप डिस्टेंस कवर करते हो 2.44 meter से एबव या 2.44 meter, देन आप आओगे एक्सीलेंट कैटेगरी में। देन अगर बात कर लें 2.29 से 2.44 मीटर के बीच में अगर आपकी डिस्टेंस आती है तो आप एबव एवरेज में आओगे। ये जो टेबल है ये मेल की है, फीमेल की थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगी। देन अगर 2.16 से 2.28 के बीच में आ रहे हो आप तो एवरेज कैटेगरी में आओगे। देन 1.98 मीटर से 2.15 मीटर के बीच में आपकी डिस्टेंस आ रही तो आप आओगे बिलो एवरेज में। देन अगर 1.98 से बिलो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो जंप में, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में, तो आप पुअर कैटेगरी में आओगे। तो अब बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 16 की बात कर लेते हैं। एबव 16 जो होगा अगर 1.91 मीटर से एबव वो जंप करें तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में। देन अगर 1.78 से 1.91 के बीच में जंप करें तो वो आएंगे एबव एवरेज। देन 1.63 मीटर अप टू 1.71 मीटर देन वो आएंगे एवरेज कैटेगरी में आएंगी। देन 1.50 मीटर अप टू 1.62 मीटर के बीच में आ रहा तो वो आएंगी गर्ल्स बिलो एवरेज में। देन पुअर 1.50 से नीचे आ रहा तो वो आएंगी पुअर कैटेगरी में। तो इस तरीके से नाम से में जिस एज ग्रुप का भी होगा 14, 15, 16, above 16 उसको हम क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं और उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी स्कोरिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट वन हम बात कर लें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन टेस्ट है वो है जिगजैग रन टेस्ट। तो जिगजैग रन टेस्ट को करने के लिए जो इसका मेन पर्पज है, इट इज यूज टू मेजर द स्पीड एंड एजिलिटी। तो जिगजैग रन आपसे पूछा भी जाता है कि जिगजैग रन क्या मेजर करता है, तो ध्यान रखिएगा स्पीड एंड एजिलिटी। कहीं कहीं पे आपको स्पीड एंड डायरेक्शन भी देता है तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके का एक मार्क्ड एरिया होना चाहिए, जैसा आपको यहाँ पे पिक्चर में मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके से आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप में एक मार्क्ड एरिया होना चाहिए। आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए, 5 wooden blocks अथवा कोन्स होने चाहिए जो 5 corner पे 5 जगह आप शिफ्ट कर सको इस तरीके से। देन नेक्स्ट वन आपको क्या चाहिए, पेन एंड पेपर, जिससे उसके नंबर ऑफ रिपीटेशंस को राउंड को कंप्लीट कर सको। तो यहाँ पे हम बात कर लें सबसे पहले अब प्रोसीजर ऑफ जिगजैग रन टेस्ट की। तो मार्क ए रेक्टेंगुलर प्लेस 16 feet by
10 फीट। तो ये तो इस तरीके से जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी 16 फीट, देन जो विड्थ होगी वो क्या होगी 10 फीट। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप में मार्क आपके पास क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। प्लेस कोन्स एट कॉर्नर्स एंड वन एट द सेंटर एज इन फिगर। तो जैसा यहाँ पे फिगर में मैंने रिप्रेजेंट किया कि चारों कॉर्नर पे एक एक फ्लैग रखना है या कोन जो भी है आपके पास वुडन ब्लॉक्स उसको शिफ्ट कर देना है, एक सेंटर में रखना है। देन ऑन द स्टूडेंट स्टैंड बिहाइंड मार्क लाइन एट एनी कॉर्नर। तो किसी भी कॉर्नर की मार्क लाइन पे स्टूडेंट को क्या करना है, जो सब्जेक्ट है हमारा उसको खड़ा कर देना है। देन ऑन द कमांड गो द स्टूडेंट बिगिंस फ्रॉम ए स्टैंडिंग स्टार्ट रन्स थ्रू द पाथ 3 times रनिंग अराउंड द सेंटर ब्लॉक एंड ब्लॉक्स प्लेस एट द कॉर्नर एज पर डायरेक्शन टू फॉर्म 8। रिकॉर्ड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3 round। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो, तो इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से जाना है, यहाँ पे ओवर लैपिंग करते हुए दिन इस कॉर्नर तक जाना है, इस कॉर्नर से अगेन फिर यहाँ से इसको 8 अल्टरनेट क्रॉस करते हुए जाना और यहाँ पे आना है। तो इस तरीके से इसको 3 repetitions करने हैं। कितने repetitions करने हैं, 3 repetitions करने हैं। और 3 repetitions में वो जितने टाइम कंज्यूम कर रहा है उस टाइम को रिकॉर्ड कर लेना है। देन टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट इज स्कोर। तो उसी बेस पे इसकी क्या होगी, स्कोरिंग हो जाएगी, जिसको हम कहीं से भी नाम पे जब स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो इसके नाम मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट वन बात करें मेडिसिन बॉल पुट की। तो स्टूडेंट मेडिसिन बॉल पुट की बात करें तो जो पर्पज है इसका टू मेजर आर्म एंड शोल्डर गर्डल स्ट्रेंथ। तो ये क्या करेगा, हमारे आर्म और शोल्डर गर्डल स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना। देन नेक्स्ट वन बात करें स्टूडेंट इक्विपमेंट की, तो मार्क एरिया मेजरिंग टेप मेडिसिन बॉल 1 kg, गर्ल्स 3 kg, बॉयज पेन एंड पेपर। तो मार्क एरिया होना चाहिए हमारे पास जिसपे हम डिस्टेंस मार्क हो, मेजरिंग टेप हो हमारे पास, मेडिसिन बॉल होनी चाहिए 1 and 3 kg की, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट मेडिसिन बॉल। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब प्रोसीजर की बात कर लें, एन एरिया 17 feet by 20 feet मार्क ऑफ इन हाफ फीट इंटरवल्स। तो यहाँ पे क्या करना है कि आधे आधे फीट पे मार्क करके, यानी कि जो एक एक फीट के बीच में, सपोज ये हमारा 1 feet है तो इसके बीच में भी आधे पे हाफ फीट पे भी हमको मार्क करके रखना है, जो कि 17 into 20 लेंथ एंड विड्थ होगी जिसकी। देन मार्क 2 lines 15 feet अपार्ट एज द एरिया इन विच ए रन्स इज परमिटेड। तो और 15 feet एक एरिया मार्क कर देना जहाँ से थोड़ा सा रनिंग को अलाउ किया जा, सब्जेक्ट जहाँ पे दौड़ सकता है। द सब्जेक्ट स्टैंड बिटवीन 2 restarting lines द थ्रो मस्ट बी मेड फ्रॉम थ्रोइंग एरिया। तो जो थ्रोइंग एरिया सेलेक्ट किया गया है वो स्टार्टिंग लाइन, जो एक लाइन मार्क की गई है 2 lines के बीच में, उसके पीछे से ही थ्रो करना है। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट है हमारा वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे ही खड़ा होगा। पुट द बॉल स्ट्रेट डाउन द कोर्स एज फार एज पॉसिबल विदाउट स्टेपिंग ऑन और ओवर द रिस्टार्टिंग लाइन। तो इस तरीके से जो यहाँ पे सपोज उसके एक लाइन मार्क होगी, इस लाइन को इसे क्रॉस नहीं करना होगा ड्यूरिंग थ्रो, है ना, इस लाइन के पीछे से ही उसे थ्रो करना है और जितना मैक्सिमम पॉसिबल है जितनी दूर तक वो थ्रो कर सकता है उसे थ्रो करना होगा। देन द पर्सन टेक्स 3 trials इन सक्सेशन। तो पर्सन को मिनिमम 3 trials दिए जाएंगे, 3 trials दिए जाएंगे और रिकॉर्ड द डिस्टेंस कवर्ड, जो उसके बेस्ट अचीवमेंट होगा, यानी कि जो बेस्ट डिस्टेंस जिस ट्रायल में वो कवर करेगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका एक फॉर्मेट होता है। द बेस्ट ऑफ थ्री अटेम्प्ट्स थ्रो इज रिकॉर्डेड 15 फीट, है ना, देन 15 फीट के मार्क लगे होंगे 15 फीट पे, 17 फीट हाफ फीट मार्क, तो 17 फीट में से 15 to 17 के बीच में वो कितनी डिस्टेंस आ रहा है। सपोज उसकी 20 फीट आ रहा है, 20.5 है ना, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 यहाँ पे 0.5 लिख देंगे। इस तरीके से रीस्टार्टिंग थ्रोइंग एरिया थी, ये एक रीस्टार्टिंग थ्रोइंग एरिया होगा जिसमें हम उसकी डिस्टेंस को मार्क करके देन उसके बाद उसके स्ट्रेंथ को कंपेयर कर देंगे, जो भी स्कोर होगा उसके नाम से डिस्टेंस को कंपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा टॉपिक जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट 3 आइटम्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के एक्सप्लेनेशन के वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू।